एक्सट्रूड टूल, ठीक है। ये किस लिए यूज होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी शेप को, ये 3D लुक, 3D इफेक्ट देने के लिए यूज होता है, ठीक है। किसी एक साइड पे आप कर लें, टू साइड्स पे कर लें, ठीक है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, किसी भी शेप को जो है आप इससे 3D लुक दे सकते हैं, ठीक है। तो कैसे देनी है अभी हम यूज़ भी करके देख लेते हैं। ये अभी एक रिक्टेंगल लेते हैं, ठीक है, इसमें कोई सा भी आप कलर फिल कर लें, ये मैं ब्लू कर रहा हूँ, या कोई लाइटर कर लें, और ये ठीक है। स्क्रीन तो बड़ा स्ट्रक है। इसको लें आप, तो किसी भी डायरेक्शन से इसको आप ड्रैग कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी राइट को जा रहा हूँ, ठीक है, राइट साइड पे इसका शेडो जो है 3D इफेक्ट है वो राइट साइड पे शो करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको आप नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, या और जो है इसको राइट कर सकते हैं। स्क्रीन स्ट्रक ये एक स्क्रू टूल मैंने लिया और इसको जो है ना मैंने डायरेक्ट कर दिया जिस साइड पे मैंने इसका 3D इफेक्ट देख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास 3D इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि कलर सेम है इसलिए ये नज़र नहीं आ रहा, तो इसका कलर चेंज करके देखते हैं किस तरह ये एक ब्लॉक सा बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये ऊपर कलर्स हैं इसके, इनको अगर मैं थोड़ा सा डार्क करूँ पहले वाले कलर से, ठीक है, पहले ये था, तो अभी इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो ये अगर आपको स्क्रीन शेयर है आपके साथ, तो ये जो लास्ट पे आपको नज़र आ रहा है किस तरह, ये वाला, ये एक ब्लॉक सा बन गया, ठीक है, नज़र आ रहा है सबको? यस ये जो ब्लॉक सा बन गया ना, ये एक्सट्रूड टूल का यूज है, मतलब आपको आपके ऑब्जेक्ट को 3D लुक मिल गई है, ठीक है। अगर इसको आप मजीद चेंज करना चाहें, ये ऊपर लिखा भी हुआ है आपके पास 3D, 3 लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा आप रोटेट करें किसी भी डायरेक्शन पे, तो ये ठीक है, ये ज़्यादा ही हो गया। तो ये आप इधर से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी साथ में लिखा हुआ है, ठीक है। ये वैल्यूज इसकी 10, 20, 5, 5 करके जा रही है वैल्यू, ठीक है। इसको ज़्यादा करते जाएंगे तो ये उसी डायरेक्शन में जो है रोटेट भी होता रहेगा, ये आप देख सकते हैं। अभी चलें इसकी कोई और करते हैं, वैल्यू 20 है, ये आप इस तरह करेंगे तो इसका इफेक्ट देखें कि ये हो जाएगा, जो ब्लॉक था वो आपके सामने आ गया बिल्कुल, ठीक है। इसको एक बार फिर सिलेक्ट करते हैं, वैल्यू जो है 5 पे लेके जाते हैं, ठीक है, ये 5 पे वैल्यू ली है इसकी। तो अभी जाते हैं वो 3 के अंदर, 3D इफेक्ट के अंदर, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इसको आप रोटेट करें थोड़ा सा, ठीक है, इसको सीधा करेंगे तो वो जो शेडो देखें अभी 3 के नीचे, 3 के नीचे चला गया, ठीक है, वो अभी आपको नज़र नहीं आएगा। इसको बाय लेके आए, ठीक है, ऊपर वाली साइड ये देखें, ऊपर से भी नज़र आने लग गया, क्यों? क्योंकि ये 3 जो है थोड़ा सा आपने नीचे की जानिब कर दिया। इसको अगर मज़ीद देखें, ये ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पे भी आप इसको एडजस्ट करना चाहें ये एडजस्टेबल है, सही है। अभी अगर नीचे से आप देखना चाहें, नीचे जो इफेक्ट है, तो इसको आप ऊपर की जानिब जो है वो थोड़ा सा कर दें, ठीक है, इस तरह, जहाँ भी आप एडजस्ट करना चाह रहे हैं, तो ये भी इसका जो है इफेक्ट वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अभी हम नीचे नहीं जा रहे, ऊपर इसके करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, या इस तरह ये, ठीक है, ये इसका इफेक्ट इधर भी आ रहा है, ठीक है। अगर इधर से भी करना चाहें तो आप रोटेशन वैल्यू इधर से भी चेंज कर सकते हैं मैनुअली, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाह रहे हैं, ये अभी जो इनिशियल पोजीशन है, इसी तरह ये माइनस में वैल्यू दी हुई है, ये जितनी ज़्यादा वैल्यू करेंगे उतना जो आपका 3D इफेक्ट है वो बाहर आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये देखिए -37, तो ये फुल रोटेशन हो रही है आपने जो इसको इफेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम वापस जाते हैं, इसको कम करते हैं जितनी हम, ये ठीक है, इधर वाली भी कर लें, ये टॉप वाली वैल्यू है और ये इसकी रोटेशन के लिए पूरे ऑब्जेक्ट की, ठीक है, इसको स्ट्रेट ही रहने देते हैं 0 पे, सही है। तो ये वैल्यूज़ आप इधर से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये कलर वाला आपने देख लिया, 3 वाला, और ये भी रोटेशन है आपकी बैक जाने के लिए, सॉरी, ठीक है।
इस तरह आगे आए तो आपके पास एक्सट्रूजन बीवल लिखा हुआ है, ठीक है। ये करें अगर यूज ये थ्री है जी, ये थ्री वाला ऑप्शन कहाँ है? थ्री वाला ऑप्शन है ये फर्स्ट में, जो ऊपर आपको टॉप मेन्यू नजर आ रही है ना, प्रॉपर्टी मेन्यू उधर है। पहले आपने टूल सिलेक्ट करना है, तब वो नजर आएगा आपको, ठीक है। ये यहाँ आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी सेटिंग है, ये 3D इफेक्ट बेसिकली देने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आगे आए आप तो इधर लिखा हुआ एक्सट्रूजन बीवल एड स्लोप एजेस टू द एक्सट्रूजन इफेक्ट। इसका इतना ज्यादा यूज तो नहीं है, लेकिन ये देख लेते हैं करके, ठीक है। ये एजेस आपने बाहर करने हैं या इनसाइड करने हैं, ये उसके लिए यूज होता है, ठीक है। इधर से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, ये सही है सर। आप एजेस जो है अपने वो मूव करवाने के लिए, वो मूव करवाने के लिए ये इसके डिफरेंट लेवल्स हैं। ठीक है, इनको इधर से भी आप देख सकते हैं। इसकी वैल्यू अभी कम रखते हैं 5 के ऊपर, ठीक है। बेसिकली जो आपने इफेक्ट दिया हुआ ना, ये उसकी एजेस को बाहर और लेफ्ट राइट और बॉटम, ये उनको उनके लिए यूज होता है, ठीक है। इसको हम यूज नहीं कर रहे अभी, आगे जाए तो आगे हमारे पास लिखा हुआ एक्सट्रूजन लाइटिंग, ठीक है। ये लाइटनिंग इफेक्ट जो है उनके लिए है, डिफरेंट कलर वही रहेंगे लेकिन लाइट्स का इसमें इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इधर से भी कंट्रोल कर सकते हैं लाइट सोर्स इंटेंसिटी, और उसकी इंटेंसिटी जिस तरह ट्रांसपेरेंसी था उसी तरह ये है कि कलर आपके डार्कर करने हैं या लाइटर करने हैं, ये उसके लिए है, ठीक है। लाइट की तरफ जाना था ये, ठीक है। अभी हम डार्कर की तरफ जा रहे थे, तो ये आपके कलर जो है बिल्कुल डार्क हो रहे हैं दोनों। इसी तरह वैल्यू ज्यादा करते जाएं तो वो लाइट होता जाएगा, ठीक। इसी तरह ये है नीचे वाला लाइट टू लिखा हुआ है, ये भी कलर्स आपके लाइट हैं, इनकी वैल्यू चेंज करके देखें। इधर से डिफरेंट कलर शेड जो है, कलर इफेक्ट्स जो है वो आपको नजर आएंगे। कलर वही है दो, लेकिन इनकी इंटेंसिटी जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। इसी तरह ये नीचे वाला है, इधर से भी डिफरेंट इफेक्ट्स हैं लाइट के, ठीक है। ये देखिए आपके कलर्स वही हैं, लेकिन इन कलर्स इंटेंसिटी जो है ना वो चेंज हो रही है, ये आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद अगर जाएं कॉपी एक्सट्रूजन, ये चीज़ें काम की नहीं है। अगर ये ख़त्म करना है आपने, इफेक्ट क्लियर करना है, तो इसको एक बार क्लिक कर दें, आपका जितना भी 3D इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। कैसे, ये आपको नज़र आ रहा है क्लियर एक्सट्रूजन, ठीक है। इसको करें तो ये आपका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, सही है। इसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट को आप दे सकते हैं, एक और पॉलीगॉन लेते हैं हम, इसको अगर देना चाहें इफेक्ट 3D, इसको पहले कलर कर लें, एक्सट्रूजन में आए और ये यहाँ तक इसको ले जाए। तो ये जो बाहर आपको नज़र आ रही है चीज़, ये इसका इफेक्ट है, इसका एक बार कलर चेंज कर लें तो वो आपको नज़र आ जाएगा। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, क्योंकि जो शेडो होता है या 3D शेड्स होती हैं वो मोस्टली डार्क होती हैं, एक्चुअल कलर से वो डार्क हो रही होती हैं, ये हम भी इसको डार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये अभी इसके बाहर 3D इफेक्ट बन गया है। अगर ज़्यादा क्लियर नहीं है तो ये जो आपको 3 लिखा नज़र आ रहा है, इसको अगर आप रोटेट करें तो आप ये इसके डिफरेंट इफेक्ट जो है 3D के वो देख सकते हैं।
ठीक है, इसको फुल रोटेट कर दें आप, ये तो कुछ इस तरह आपको नजर आएगा। ठीक है, इफेक्ट पीछे वही है, आपका जो कलर आपने चेंज किया वही है, लेकिन 3D कैसे है कि जो इफेक्ट की बैक साइड पे था, इसके पीछे था, वो भी अभी आपको नजर आने लग गया इसकी राइट साइड पे। ठीक है, इसको और थोड़ा करें चेंज, इसको फ्रंट पे लेके आना चाहें बिल्कुल, तो ये अभी फ्रंट पे आ जाएगा आपका। ठीक है, ये देखें जो आपका कलर है वो अभी इसके पीछे चला गया, इसकी लेफ्ट साइड पे आ गया। क्यों? ऊपर से आप कंट्रोल करें इसका एंगल जो रोटेशन जो है, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। सर ये इसके डिफरेंट थे यूजेस एक्सट्रूड टूल के। जी सर, ये हम सिर्फ शेप्स पे कर सकते हैं कि कोई पिक्चर्स वगैरह को भी हम 3D कर सकते हैं इस पर? टेक्स्ट पे भी कर सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर। तो सर पिक्चर्स, पिक्चर्स जो HD पिक्चर्स होती हैं उनको नहीं कर सकते हम? पिक्चर्स पे भी कर सकते हैं, उसका भी एक डिफरेंट वे है। एक मिनट अगर देखें इधर से, ठीक है, यही टूल है। इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं किसी भी ऊपर, ये इसको शायद वो हमें करना पड़े, ब्रेक अपार्ट करना पड़े पहले। अच्छा नहीं, ऐसे ही हो गया। अच्छा तो ये इसको थोड़ा सा इफेक्ट देते हैं। ठीक है, तो अभी ये इस तरह से हमें नजर आ रहा है क्योंकि पूरा टेक्स्ट है, टेक्स्ट के ऊपर ये अप्लाई हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है जैसे चेंज करेंगे अगर, ठीक है, तब इसका इफेक्ट भी आपको नजर आएगा। थोड़ी सी और काम करते हैं, 2 इसको करते हैं। ठीक है, इसका नीचे वाला कलर जो है वो चेंज करें ताकि आपको इफेक्ट जो है नजर आए। ठीक है, तो ये अभी आप अगर बैक साइड पे देखें तो आप एक 3D लुक जो है वो नजर आ रही है। ठीक है, ये कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह आप टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई सा भी टेक्स्ट ले लें उसी तरह। बाकी इसका कोई कलर चेंज करना चाहें, फ्रंट वाला बैक वाला उधर से करेंगे, फ्रंट वाला कलर चेंज करना है बिल्कुल इसी तरह, इधर से कोई भी कलर पिक कर लें और उसके नीचे जो भी आप शेडो देना चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है, अभी ये हम लाइटर सा कलर रखते हैं, तो ट्राई करें कि इस तरह का कोई कलर रखें बैक के ऊपर 3D कलर, कि वो हर कलर के ऊपर आपको जो है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आए उसका इफेक्ट। ठीक है, वो बार बार चेंज ना करना पड़े। अभी हमने ब्लैक शेड रखी है, तो देखें कोई सा भी कलर चेंज कर लें वो आपको बिल्कुल जो है क्लियर नज़र आएगा। ठीक है, ये ब्लैक कलर जो है हर एक के साथ एडजस्टेबल है। इसी तरह इसके 3D में जाएं, इसको थोड़ा सा आप रोटेट करना चाहें, लेफ्ट राइट करना चाहें, जैसे भी आप रोटेट करेंगे इसका इफेक्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसके एक्सट्रूड टूल का यूज। ठीक है, इधर अगर आ जाएं तो इधर भी हमारे पास इसकी वही डायरेक्शन दी हुई है जो आप इधर 3D से कंट्रोल कर रहे थे, तो इधर से भी आप अगर कम ज़्यादा करके देखें तो ये इसके रोटेशन जो है वो दी हुई है आपको। ठीक है, इधर से भी आप कर सकते हैं, ये अभी बाहर निकल गया बिल्कुल 3D इफेक्ट, इधर से भी आप चेंज करके देख सकते हैं। फर्स्ट वाला ही लेते हैं हम, फर्स्ट वाले के ऊपर हमने एडजस्टमेंट की है सारी। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाले ले रहे हैं, इसको अभी इसका यूज नहीं है। तो ये था एक्सट्रूड टूल का यूज, किसी भी ऑब्जेक्ट को शेप को ये 3D इफेक्ट देने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ था, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। एक्सट्रूड टूल का यूज किया हुआ है इसके ऊपर ये इफेक्ट, अगर इसका आप कलर चेंज करें। ठीक है, थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ,
तो ये जो आपको 3D इसका इफेक्ट नज़र आ रहा है, ये कलर आप डिफरेंट फील करना चाहें, डिफरेंट फील करना चाहें तो वो आप अपने जो आपका कलर फिल टूल है, स्मार्ट फिल टूल जिसको आप कहते हैं, ठीक है, उससे भी आप कर सकते हैं। ये देखें, अभी स्मार्ट फिल टूल लिया, ये इस साइड पे ये वाला कलर कर दिया, दूसरी साइड पे कोई और करना चाह रहे हैं आप, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लें, ये सिलेक्ट किया, और नीचे आप ये कलर करना चाह रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट साइज के अंदर डिफरेंट साइड्स पे आप कलर फिल कर सकते हैं चेंज करके इसकी हेल्प से, आप स्मार्ट फिल टूल से, ठीक है, आप कोई सा भी कलर चेंज करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूँ, तो ये था अभी इसकी टू साइड्स पे इसका इफेक्ट, खत्म करके दोबारा लगा रहा हूँ एक और कलर फिल करने का मेथड, एक ही साइड पे डिफरेंट कलर फिल करने हैं आपने, इसको डार्क किया, तो अभी इसके स्मार्ट फिल टूल से कलर फिल करते हैं, मतलब थ्री साइड्स अभी इसकी बाहर है, 1, 2 और ये नीचे वाले 3। मैं अपने स्मार्ट फिल टूल पे गया, इसको कलर करना चाह रहा हूँ ऊपर की जाने, क्यों नहीं हुआ, दोबारा एक बार करते हैं, ये सारे जो कर रहे हैं इसको ब्रेक करके करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये आप इसकी डिफरेंट साइज में कलर फिल कर सकते हैं आप स्मार्ट फिल टूल को यूज करते हुए, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। और इसी तरह जो अगर कोई और इसकी साइड जो है वो 3D में हो तो उसको भी आप कलर कर सकते हैं। ये इसके कॉर्नर जो है वो बाहर निकले हुए हैं, इनकी क्या वजह, ये स्टोक लगा हुआ है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, तो इसको भी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, इसको नन कर देते हैं, ये अभी बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो ये आप इसके जो भी लुक देना चाहें, 3D इफेक्ट को कलर चेंज करना चाहें इसके हर एज के ऊपर, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। ये नीचे वाली साइड थी, ये लेफ्ट थी, इसको भी आप रोटेट करके देखें थोड़ा सा, तो जो आपने किया है काम वो ग्रुप नहीं, इस वजह से बाहर हो गया। ये था कलर आप फिल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, बाकी आपका वही रहेगा। इसको जूम आउट कर लेते हैं, तो ये था X2 टूल का यूज, पावर क्लिप टूल या क्लिपिंग मास्क इसको हम कहते थे, इलस्ट्रेटर के अंदर हमने देखा था क्लिपिंग मास्क के नाम से था, मास्क क्लिप, क्लिपिंग मास्क। इधर जो कोरल ड्रा के अंदर है वो है पावर क्लिप टूल, ठीक है। ये क्यों यूज होता है, ये होता है कि आपने किसी भी एक बड़े ऑब्जेक्ट को फिक्स करना है, किसी अपनी छोटे ऑब्जेक्ट के अंदर या अपनी डिज़ायर शेप के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इमेज है, आपकी एक रियल पिक्चर है, उसको आपने किसी भी शेप के अंदर लेके आना है, डिफरेंट स्टाइल के अंदर लेके आना है, उसका साइज छोटा करना है, ठीक है। तो वो हम क्या करते हैं कि अपनी इमेज के ऊपर जो आपकी रियल पिक्चर है उसके ऊपर आप जो आपका डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट है उसको रखें और दोनों को क्लिप कर दें, तो वो उसी शेप के अंदर आ जाता है। अभी हम देखेंगे भी ये कैसे होता है, ठीक है। ये अभी हम इधर से लेते हैं कोई एक बड़ा ऑब्जेक्ट, ठीक है, शेप लिया एक ये वाली, ठीक है, ये है आपकी रियल पिक्चर जिसको आप क्लिप करना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये आप लें एक, है कुछ नजर नहीं आ रहा, तो सिर्फ पावर क्लिपिंग मास्क लिखा हुआ है। नो सर, अब ठीक हो गई है, पहले नहीं आ रहा था। ठीक है, ये आपकी इमेज है, पिक्चर है, ठीक है, ये आपकी पिक्चर है जिसको आपने क्लिप करना है, और ये जो अंदर वाली आपको नजर आ रही है ये क्या है, जिसके अंदर आपने क्लिप करना है, ठीक
ठीक है, बड़ी वाली को इसके अंदर लेके आना छोटी वाली के अंदर, ठीक है। जिसके अंदर आपने क्लिक करना है वो आपकी पिक्चर या ऑब्जेक्ट जो भी आपने लिया शेप लिया वो ऊपर होगा, ठीक है, टॉप के अंदर होगा, और जिसको आपने क्लिप करना है वो नीचे होगा, ठीक है। अभी आपने इसको क्लिप करना है तो इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद आप जाएं ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट जो आपको मेन्यू नज़र आ रहा है ऑब्जेक्ट में, ठीक है, उधर जाएं तो ये आपके पास एक टूल है पावर क्लिप, ठीक है, पावर क्लिप नज़र आ रहा है, ये इधर लिखा भी हुआ आगे कि प्लेस इन साइड फ्रेम, ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया और ये हमारे पास एक ब्लैक एरो नज़र आ रहा है जो अभी जो आपको मूव करता हुआ अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ये छोटे ऑब्जेक्ट के ऊपर आके क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो क्या हुआ जो बाहर आपका बड़ा इमेज था वो इसके अंदर आ गया, क्लिप हो गया वो, ठीक है। एक बार दोबारा से कर लेते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है, शेप है जिसको आपने क्लिप करना है, और ये है जिसके अंदर आपने क्लिप करना है, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, अच्छा, इसको सेलेक्ट किया, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट में आए, इसको सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में आए तो आपके पास है पावर क्लिप, ठीक है, इसको सिलेक्ट करें और ये आपके पास एक एरो नज़र आ रहा है आपको, ब्लैक एरो, ये अपने ऑब्जेक्ट के अंदर आके जिसके अंदर आपने क्लिप करना है उसको क्लिक कर दें एक बार, तो ये आपका क्लिपिंग मास्क बन गया, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, तो वापस जाना हो तो आप क्या करते हैं, आपके पास ये बना हुआ ठीक है, उधर ही जाएंगे आप पावर क्लिप के अंदर ही, तो ये एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब आपने फ्री करना है इसको, ठीक है, तो फ्री करेंगे ये फ्री हो जाएगा, ये नीचे आपका ऑब्जेक्ट आ गया दूसरा जिसके अंदर आपने क्लिप किया था, ठीक है। इसी तरह इसके और ऑप्शन हैं वो भी देख लेते हैं, इधर आए तो ये लिखा हुआ है एडिट पावर क्लिप, ठीक है, इसको एडिट करना चाहें एडिट से भी यही ओपन होता है, आपका जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है वो ऊपर आ गया हुआ इधर, ठीक है, ये पड़ा हुआ ये। बाद इसके दूसरे ऑप्शन में जाएं अगर पावर क्लिप पे, ये बाकी सारे वही हैं, सेंटर कंटेंट, फिट कंटेंट प्रॉपरली, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने क्लिप जो है वो कैसे करना है। सर वो पावर क्लिप के ऑप्शन शो नहीं हो रहे मेरे, पावर क्लिप के ऑप्शन शो होंगे, आप पहले एक बार अपना सेलेक्ट करें ऑब्जेक्ट, पहले एक बार देख लें फिर वो भी शो कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह हम किसी रियल पिक्चर को लेते हैं, अगर मैं गूगल से लूँ कोई, ठीक है, इधर से कोई इमेज ले लेते हैं, गूगल से कोई इमेज लेते हैं, उसको क्लिक करते हैं, ठीक है, ये एक पिक्चर ली है गूगल से, नजर आ रही सबको, ठीक है, तो इसको आपने करना है क्लिप, किसी भी आप शेप के अंदर कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सर्कल ही हो या कुछ इस तरह, जो भी आप, मैं अभी इधर पॉलीगॉन ले रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह की सिक्स वाली ले लेते हैं, ठीक है। ये इसको एडजस्ट कर लें पहले, आपने जहाँ से कितना जो आपकी रियल पिक्चर है वो कितनी आनी चाहिए आपके मास्क के अंदर, वो आप कैसे आपने किया, ये पॉलीगॉन लिया सिर्फ, हाँ जी सिर्फ पॉलीगॉन लिया, एक इमेज सिलेक्ट किया, इसको कॉपी पेस्ट किया इधर, और एक ये पॉलीगॉन लिया, ठीक है जी, जी। इसको आप थोड़ा सा कर लें ताकि आपको नजर आ जाए ये, ठीक है, ये इसको एडजस्ट कर लें जितना भी आपने करना है, जहाँ पे जितनी पिक्चर आपको इसके अंदर वो आप एडजस्ट कर लें। तो मैं जा रहा हूँ इसको क्लिक करने, अभी हम इधर ही गए पावर क्लिप में, प्लेस इनसाइड,
ये इधर आगे क्लिक कर दें तो आपकी पिक्चर इसके अंदर बिल्कुल एडजस्ट हो गई है, बिल्कुल फिट हो गई। ठीक है, तो ये है पावर क्लिक या क्लिपिंग मास्क जिसको कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट। तो आप किसी भी शेप के अंदर, आप किसी भी डिजायर्ड शेप के अंदर अपने जो जिसको क्लिप करना चाह रहे हैं उसको लेके आ सकते हैं, किसी भी इमेज को, किसी भी शेप को, जो सी भी आप उसे शेप सेलेक्ट करके देंगे वो उसके अंदर फिट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं पावर क्लिप या क्लिपिंग मास्क कॉन्सेप्ट। तो ये आप सबको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह एक और ले लेते हैं इमेज। ठीक है, इसी तरह एक और पिक्चर ली है, ये वाली थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं। ठीक है, इसको क्लिप करना है किसी दूसरी शेप के अंदर, ये स्टेरी की ले लेते हैं यहाँ पर। इसके अंदर आप लेके आना चाह रहे हैं, पहले तो इसको एडजस्ट कर लें कि कितना इसका पोर्शन आपने शो करवाना है इसके अंदर। ठीक है, वो आप कर लें। सपोज के हम इधर से ये कैमरा जो है ये शो करवाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा हैंड शो करवाना चाह रहे हैं। कितने एरिया को आप क्लिप करना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट में जाएं, उसी तरह पावर क्लिप प्लेस इन साइड और यहाँ पे आके आप क्लिक कर दें। ठीक है, सिलेक्ट नहीं हुआ। तो ये इस तरह से आप जिसको भी अपनी पिक्चर को, किसी भी शेप को आप जो है किसी भी फॉर्म के अंदर, रिजल्ट के अंदर किसी भी शेप में देखना चाह रहे हैं तो वो आप इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी हमारे पास एक पिक्चर थी, इमेज आपका, ठीक है, ये वाला, उसको हमने किया कि ये हमें चाहिए स्टैरिक के अंदर। ठीक है, स्टैरिक के अंदर किया तो ये हमारे पास स्टैरिक के अंदर क्लिप हो गया। ठीक है, बाकी पिक्चर हमें नहीं चाहिए, सिर्फ ये स्टैरिक के अंदर चाहिए था। ये जो आपको कैमरा नज़र आ रहा है ये इसके अंदर एडजस्ट हो गया। इसके बाद पहले हमने देखा है पॉलीगॉन के अंदर, और इससे पहले ये टू शेप सिंपल जो थी वो देखी थी। ठीक है, तो ये था पावर क्लिप का कॉन्सेप्ट। चलें इसी को ले लेते हैं, पॉलीगॉन को। ठीक है, इसका थोड़ा सा यहाँ तक हमें चाहिए स्क्रॉल करें या इससे नीचे इतनी चाहिए। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है पहले नीचे वाली पिक्चर जिसको आपने क्लिप करना है। जब उसको सिलेक्ट करें तो आपके पास टूल है पावर क्लिप से नज़र आ रहा है, आपको ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा। ठीक है, इसको क्लिक करें, प्लेस इनसाइड करें, और इसके इनसाइड करना है तो इसके ऊपर आके, पाथ के ऊपर आके आप एक बार क्लिक कर देंगे तो आपकी पिक्चर इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह शेप्स के लिए जो आपने ड्रा किया उनके लिए भी, इमेजेस के लिए भी ऐसा ही है। तो इसी तरह कोई टेक्स्ट, आप टेक्स्ट के अंदर चाहें आप इमेज उसको भी कर सकते हैं। टेक्स्ट का रह गया, टेक्स्ट का कैसे करना है जी, ऑब्जेक्ट में जाके नीचे लिखा हुआ आपके पास पावर क्लिप, पावर क्लिप, पावर क्लिप। ठीक है, ये आप इस तरह टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपने इमेज लिया। ठीक है, उसको आप चाह रहे हैं कि टेक्स्ट के अंदर ही आ जाए, यहाँ पे सही क्लियर नज़र नहीं आ रहा। इमेज जो है ना वो बेसिकली लाइट कलर का है, तो कोई थोड़ा सा डार्क इमेज लेते हैं। ये ले लेते हैं,
ये आपका टेक्स्ट है, इसको जहाँ पे मर्जी रख लें। तो आप करना क्या चाह रहे हैं कि आप ये इमेज के जो इमेज है वो आप अपने टेक्स्ट के अंदर भी शो करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसी तरह ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पावर क्लिप, ये पावर क्लिप में गए, उसके बाद ये आपको छोटा सा एरो नज़र आएगा, ये इसके ऊपर ले आए, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें एक बार, तो जो आपका इमेज है वो सारे का सारा इसके अंदर क्लिक हो गया। अगर इसको मैं जूम आउट करूँ, जूम करूँ थोड़ा सा, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, नज़र आ रहा सबको, ठीक है। तो इस तरह ये आप टेक्स्ट जो है वो भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर भी कोई भी पिक्चर वगैरह आप क्लिक कर सकते हैं। ये क्लियर है सबको? सर इधर तो आपने पूरे टेक्स्ट पे एक भी क्लिक है और वो एक बार ही। अगर हम हर वर्ड पे मतलब जैसे पीएस के ऊपर अलग, ओ के ऊपर अलग, तो कैसे हम कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको उतनी पिक्चर्स लेनी पड़ेंगी अलग अलग, इस तरह कंट्रोल जी कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये टैक्स ले लेते हैं, इसे दो के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये अभी दो मैं ले रहा हूँ, W इसको भी लग कर लेते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स को ना उतना ही आप सिलेक्ट करवा लें, एक मिनट, या आप जो है क्या करें, टेक्स्ट को ब्रेक पार्ट करना पड़ता है हमें। अगर इधर ऑब्जेक्ट में जाके देखें, टेक्स्ट को क्लिक करें तो इधर आपके पास ऑप्शन आ रही होती है ब्रेक कर्व पार्ट, ठीक है। कंट्रोल के भी कर सकते हैं, ब्रेक पार्ट भी कर सकते हैं। ब्रेक पार्ट करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको सारा, वो जो है इसके अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब अलग हो जाएंगे, POWER ये सारे अलग हो जाएंगे। इस तरह इसको करते हैं ब्रेक, ठीक है, ये सारे अलग अलग हो गए। तो बिल्कुल उसी तरह फिर आप पिक्चर्स सेलेक्ट करें, ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाएं, इसको पावर क्लिक करें, इसके ऊपर आ जाएं, ठीक है। ये इधर इसकी प्लेसमेंट नहीं आपने छेड़नी, वो मैंने आपको दिखाने के लिए किया, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट में करना चाह रहे हैं उसको इधर ले आएँ, ये पिक्चर ओपन कर लें जो आपके पास पहले पड़ी हुई थी, तो ये थी। सी के अंदर करना चाह रहे हैं ये यहाँ पे, ठीक है, इसको सिलेक्ट करें और क्लिक, और ये सी के ऊपर आके क्लिक करें तो ये इस तरह हो जाएगी, ठीक है। तो आपको पिक्चर्स भी उतनी लेनी पड़ेंगी जितने वर्ड्स के अंदर आप उसको फिल करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये आपको? तो अभी हमें चाहिए एक लोगो रियल स्टेट का, फॉर एग्जांपल वो जिस तरह होम की हाउस की एक शेप बनी होती है, उस तरह कोई पहले तो शेप ले लेते हैं, ठीक है। खरीद इसको थोड़ा सा अवॉइड कर लेते हैं, कुछ इस तरह से आपको नजर आ रहा था। पहले जब आपने लोगो स्टार्ट करना है, पहले आपके माइंड में क्लियर हो कि आपने डिजाइन क्या करना है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल हमने रियल स्टेट का लोगो बनाना है, तो वो मेरे माइंड में आके एक जो आपके पास हाउस जो घर है उसकी इस तरह से ना शेप बनी होती है, ठीक है। कैसे बनी होती है, ये फॉर एग्जांपल ये है, इसका मैं थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ ये, ठीक है। बिल्कुल सिंपल लोगो बनाया है अभी, प्योर ज़्यादा कर ली, ये इस तरह हो गया। मैं 20 इसको हमने किया है
आउटलाइन ऑब्जेक्ट किया। आउटलाइन ऑब्जेक्ट मीन्स इसकी आउटलाइन ख़त्म हो गई है, ये सॉलिड कलर बन गया आपके पास। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हमें ये निचले वाला पोर्शन इसका नहीं चाहिए, नीचे वाला। ठीक है, कर लेते हैं 20। और इसका भी हर एक की अपनी अप्रोच है, ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरह डिज़ाइन करें, आपकी अप्रोच डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, मैं आपको जो क्विक वे है वो बता रहा हूँ। ठीक है, आप दोनों को सिलेक्ट करें तो थोड़ा और नीचे करें। आप दोनों को सिलेक्ट कर लें, इधर आपके पास आ रहा होगा इंटरसेक्ट ट्रिम या जो भी आपने कहना, हम इधर ट्रिम कर रहे हैं। ट्रिम करेंगे तो ये इधर से ना डिलीट हो जाएगा इसका पोर्शन जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ब्रेक पार्ट कर लें, अनग्रुप कर लें, जो भी ऑप्शन आ रही है। हमने अनग्रुप कर लिया। ठीक है, ये पोर्शन इसका डिलीट हो गया। उसके बाद आपको पता है कि ये हाउस के अंदर आपको इधर विंडो सी नज़र आ रही होती है। ठीक है, एक विंडो, उसके लिए क्या चाहिए आपको, स्मॉल रेक्टेंगल ले लें आप, अभी जो भी आपके माइंड में आ रहा है क्विक सॉल्यूशन, वो रेक्टेंगल ले लें, उसे चार रेक्टेंगल बना लें। ठीक है, ये मैं अभी एक ले रहा हूँ, थोड़ी सी ये विंडो जो बनी होती है ना हाउस के अंदर वो बना। ठीक है, इस तरह से ये कर लें, इसको थोड़ा सा ज़ूम भी कर लेते हैं ताकि सबको क्लियर नजर आए। आपकी वीडियो शेयर नहीं हो रही। वीडियो तो शेयर है, तो मैं दोबारा कर देता हूँ। अच्छा, हो गई अभी। इधर हो गई अभी। ठीक है, तो ये अब क्या करने लगे हैं हम, हाउस के अंदर जो विंडोज आपको नजर आ रही होती है ना वो आप बनाने लगे। एक वे ये है कि आपने वो फोर डोर्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, चार दरवाजे जिसको कहते हैं। ठीक है, आप उस तरह कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा वाइड कर लें, पूरी एक विंडो बना लें जो आपने पहले बनानी है। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा इतना। ठीक है, थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा होती है, थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा की। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका पहले तो लॉक ओपन कर लें। हमने ये ऊपर वाली साइड या नीचे वाली या एक साइड या दो साइड, आपने वो कर्व देखी होंगी। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है आप ना करना चाहें तो नहीं भी कर सकते। पहले इसको सेंटर करते हैं, ऑब्जेक्ट में जाएँ, इधर अलाइनमेंट का होगा। तो ये अब पहले तो हमें अच्छा ऊपर चले गई है, सेंटर अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टली कर लेते हैं। ठीक है, इसको इधर ही रहने देते हैं। इसमें आप इसकी, मैं इसकी दो साइड जो है ना वो स्मूथ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सर्कुलर करना चाह रहा हूँ। डार्क ओपन है, इधर से इसको कोई भी बैठे हैं। ठीक है, ये होगी 18, दूसरी भी 18 ही कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। इसको कलर फिल करना चाहें तो कलर फिल कर लें। ठीक है, इसका आपने ख़त्म करना है स्ट्रोक, स्ट्रोक नन कर लें। तो ये इस तरह की आपको विंडो नज़र आ रही होगी। अभी ये विंडो बन गई है, इसकी आपने स्टाइलिंग करनी है। मैं थोड़ा सा और जूम कर रहा हूँ, इस तरह लें, स्टाइल करना है आपने। इधर से ले लें आप ये। ठीक है, इसको भी कलर फिल कर लें, इसका स्ट्रोक जो है वो ख़त्म कर लें। ठीक है, ये ट्राई करें बिल्कुल सेंटर में हो। सेंटर में करने के लिए डिफरेंट वेज है, लेकिन आप सेंटर करने के लिए ये जो आपका रूलर टूल है स्केल, ये यूज़ कर सकते हैं। हमने सेंटर से इसको करना ब्रेक, तो थोड़ा सा कर देते हैं लाइट। ठीक है, ये हो गया। इसकी एक करें आप कॉपी, और इसको रोटेट कर दें आप। यहाँ पे कर, या थोड़ा सा नीचे करना चाहें तो नीचे भी कर सकते हैं। कलर इसका लग
कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसको करते हैं अभी ब्रेक, ये सबको करें सिलेक्ट आप एक बार, ये यार अलग अलग कर सकते हैं, सीधे से कर दें इसको ट्रिम। ठीक है, जब आपने ट्रिम किया इसको, अच्छा वो नहीं ऊपर वाला हो गया, इसको सबसे ऊपर ले, ट्रिम कैसे करना है ये आप दोनों को सिलेक्ट करें, इधर आपके पास ट्रिम का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आप देखेंगे कि ये अंदर से बिल्कुल क्लीन हो गया, ट्रिम हो गया। इसी तरह इन दोनों को पकड़ें और इधर ट्रिम का आ रहा होगा ऑप्शन, ट्रिम हो गया, इसको रिमूव कर लें। ठीक है, तो ये बन गई जो आपको विंडो सी नज़र आ रही होती है इस तरह। ठीक है, इस तरह हाउस हो गया, उसकी विंडो होगी और इसमें क्या चीज़ें होती हैं वो आप देख लें, नहीं तो अगर बिल्कुल सिंपल आप देखें तो ये आपको इस तरह नज़र आएगा, जो घर का जो है ना बना होता लोगो हाउस का आपका रियल इस्टेट का, ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म है। आगे इसमें और चीज़ें आप ऐड करना चाहें, ये भी हमने कट की है, इसका कोई कलर चेंज करना चाहें सारी का, इसको करने सपोज मैं ये करना ब्लैक, जो मैं लोगों का थीम है वो मैंने चूज़ किया है ब्लैक और ब्लू। ठीक है, दोनों ये आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें कि इधर इसकी थोड़ी और डिटेल चाह रहे हैं आप, इसको डिफरेंट आप शेप्स दे सकते हैं। मैं सपोज करें कि अभी ये चाह रहा हूँ इसमें एक रेक्टेंगल ऐड करना, ठीक है उसी साइज़ की लेता हूँ जिस साइज़ का हमारे पास ये है। ठीक है, इसका भी कर लेते हैं ये 20, थोड़ा सा जूम, यहाँ पे ठीक है ये। अपनी जाएंगे शेप टूल में, ये वाला ठीक है, तो इसका मैंने ये एज जो है वो मूव करवाना है। और अच्छा इसका मैंने एज मूव कराना, पहले इसको ब्रेक वो करना पड़ेगा कंट्रोल क्यू। ठीक है, यहाँ पे मैं लेके आना चाह रहा हूँ इसको, थोड़ा सा और आ गया, थोड़ा सा और आगे कर दें इसको। ठीक है, इसकी एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से जहाँ पे भी मर्जी कर, ये अभी डिस्टेंस इसका सेम है, इक्वल है, तो ये आप कर सकते हैं इधर से सेम। इसी तरह ये वाली जो है ये आपकी डबल क्लिक हो गया इसलिए डिलीट हो रहा है, ये थोड़ी सी पीछे कर दें, थोड़ी सी और कर लें। अभी इसमें आप कलर फिल करेंगे कौन से वाला, जो आपने ब्लू रखा है। ठीक है, इसकी आउटलाइन अगर रिमूव करें तो मान करते हैं इसको, इसको थोड़ा सा पास कर देते हैं। अभी स्ट्रोक इसका ख़त्म किया है इसलिए इसकी जो अलाइनमेंट है ऊपर चली गई है, इसको थोड़ा सा नीचे कर दें। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं आप। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं इस तरह, थोड़ी सी और इधर लेते हैं, अभी सही नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इसकी एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जी नहीं आप भी रखें। तो इस तरह आप और कोई डिटेल ऐड करना चाहें, जिस तरह पहले हमने सिर्फ ये बनाया, हमारे माइंड में स्केच था, ये ड्रा कर लिया, उसके बाद इसकी विंडो कर ली, इतना भी काफ़ी था, लेकिन फिर हमें आया कि इसकी थोड़ी और डिटेल होनी चाहिए। अभी ये इधर थोड़ा सही नहीं लग रहा, इसकी ये और अंदर करना थोड़ी सी। ठीक है, ये आप कर दें। इसके बाद वो थोड़ा सा होता है इस तरह, आपको नज़र आ रही होती है ऊपर छत सी निकली हुई। ठीक है, वो आप ऐड करना चाहें, इसका कलर भी वही होता है जो आप इधर है, ये ऐड कर दें। इसका स्ट्रोक ख़त्म कर दें,
इसको इधर ऐड करने लास्ट पे। सर ये जो टू कलर्स हैं आपने कलर स्कीम रखी है ये उसकी वजह से इससे कलर स्कीम से कॉस्ट बढ़ती है? ये आप इधर बताता हूँ पहले वेट कर। अच्छा ये आप इस तरह इधर ऐड कर सकते हैं या इधर कर सकते हैं, इधर होता है लास्ट पे, ठीक है ये आप ऐड कर सकते हैं। तो ये अभी आप अगर देखें कि हमारे पास इसकी लुक आना जो है ना वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इसका एक जो लोगो है रियल स्टेट का वो हमें एक नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह इसमें कोई और आप जो है ऑब्जेक्ट कोई और ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। कैसे ये कंप्लीट हो गया, चाहे तो आप इतना भी कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद इसकी स्टाइलिंग भी करना चाह रहे हैं, इसको देखें, इसको देखें, इसको राउंड कर सकते हैं आप, या चाहें तो आप इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको करते हैं रूम आउट, तो आप देखें ये रिवर्स हो गया, दूसरे वाला हमने करना था ये वाला करना, कोई सा भी जो सा भी आप इसको स्टाइल देना चाहें वो दे सकते हैं, किसी को भी। इसको सीधा ही रख लें तो सीधा भी ठीक है, ठीक हो गया। और इसमें कुछ आप ऐड करना चाहें? अभी मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो अभी आप देखें ये कर लें या थोड़ी सी लाइन इसकी बारीक को, जो कौन सा भी आप इसको और स्टाइलिंग ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। ये वैसी चीज़ है आपको दिखाने के लिए, इसके अलावा भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं इसको डिलीट कर दूँ, इसको कर दूँ, ये सिर्फ एक लाइन इधर लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लगा लूँ, या साइड वाली को शो करना चाह रहा हूँ, साइड वाली लगाते हैं कोई, इनको डिलीट करें, इसको करें, ये मैं लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्टिक कर दूँ, यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी इसकी स्टाइलिंग भी करना चाह रहे हैं, माइक नोट है जिसका भी है माइक, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही करें। तो यहाँ पे हम करना चाह रहे हैं इसको खत्म करते हैं, तो यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, अब इसकी कोई आपने स्टाइलिंग करनी हो वो आप कर सकते हैं। इसी लाइन को इसको ब्लैक ही करेंगे, इसको ऐसे कर देते हैं, नीचे वाली है ऐसे कर देते हैं। अभी मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, ये आप ऐड करना चाहें
या इसको इधर से रिमूव करना चाहें। मैं डिलीट कर देता हूँ ये। आप इधर स्टाइल इसका देना चाहें वो दे सकते हैं, नहीं तो फ्री आप विंडो रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो जो सा भी आप इसमें ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहें, उसकी स्टाइलिंग करना चाहें, वो आप डिफरेंट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि इसी तरह करें, वो भी हो सकता है। ये अभी थोड़ा सा ऐड किया है इसमें स्टाइल, या आपने दोनों साइड पे करना है, इधर भी इसी तरह का आना चाहिए, तो इसको कॉपी पेस्ट इधर कर दें आप, थ्री साइड पे करना है, तीन पे कर लें, या कोई और इस तरह की आपने इसमें स्टाइलिंग करनी है, जो सी भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लोगो आ गया आपका, तो इसका नेम आप लिखना चाहें इधर, रियल इसको कैपिटल में लिख लेते हैं। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो ये आपका लोगो आ गया। ठीक है, इस तरह से इसका ये नेम आ गया कंपनी का, जो भी रखना चाहें आप, रियल स्टेट मैंने रखा। इसी तरह एक स्लोगन होता है, जो लोगों के नीचे आपको छोटा सा टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है, स्मॉल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, वो आप ऐड करना चाहें वो करते हैं। कोई भी ऐड करना चाहें आप, इधर फॉर एग्जांपल बेस्ट इन टोन कर लें, ताकि ना आपको जो है नजर आ रही होती है डिस्क्रिप्शन इसका, फॉन्ट जो है वो चेंज कर लेते हैं, यही वाला कर लेते हैं, सेंटर। इसको कलर जो है सभी ऊपर वाला कर लें, या ब्लैक कर लें, आपकी चॉइस है। ठीक है, या ब्लैक रहने में वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ब्लैक कर लें। ठीक है, ये आपका एक लोगो डेमो जो है यहाँ पे आ गया हुआ। ठीक है, इसी तरह आपकी अपनी है थिंकिंग, आप इससे बेहतर बनाएंगे, जारी बात है। ठीक है, जितना आप क्रिएटिव हैं उतना बेहतर लोगो कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, तो ये जो आपका टेक्स्ट नीचे आ रहा है, ये बेसिकली इधर लाइन होता है आपके लोगो के ऊपर। ठीक है, इसको इधर देख लेते हैं अलाइनमेंट, एक इधर रूलर लगाएं, एक इधर लगाएं, इसको ये देखें बाहर है, इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर दें, ये पूरा रहे यहाँ तक। ठीक है, ये आपका लोगो है, लोगो डेमो नॉट लोगो, रूलर हटा दें या डिलीट कर दें। तो ये था एक छोटा सा डेमो कि आपने लोगो जो है वो कैसे डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ है सबको। आपने ऐसे नहीं कि सारा एक बार ही कर देना, मतलब सारा डिज़ाइन कर देना, आप बिल्कुल स्टार्ट करें जिस तरह हमने स्टार्ट किया था कि रियल का बनाना है, तो एक शेप या कॉपी पे भी आप स्केच कर सकते हैं पहले, हैंड ड्रॉन स्केच पूरा उधर से भी आप कर सकते हैं। पहले ये आपने एक बनाया स्केच इसका, अच्छा इस तरह से होता है होम या हाउस का जो आइकन, फिर इसके अंदर विंडो हमें नज़र आ रही होती है, विंडो हमने डिज़ाइन कर ली, इतना काफ़ी हो गया। उसके बाद हमने कहा नहीं, इसकी थोड़ी डिटेल और चाहिए, ये इसके साथ और डिटेल ऐड की, ये ब्लू। उसके बाद हमने देखा ये इसके ऊपर ये लगा होता है घर के ऊपर ना, उसकी टंकी कह लें इसको,
वाटर टैंक या जो आपकी घर के सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग होती है वो कह लें, जो भी आप कहना, जो भी आप कह लें इसका, ठीक है, वो ऐड कर दी। फिर इसके नीचे नेम ऐड कर दिया, फिर इसके नीचे ये इसका स्लोगन जो है वो ऐड किया, ठीक है। ये था कि कोई जो लोगो है वो हमने कैसे डिज़ाइन करना है।